सीटबेल्ट न लगाने पर मजिस्ट्रेट की गाड़ी का कटा चालान। मेरठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दूसरे दिन भी पुलिस सड़कों पर मुस्तैद रही। आज विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग करते हुए ऐसे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों के चालान काटे गए जो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए मिले। इसी कड़ी में एसएसपी कार्यालय के निकट चालान काट रहे पुलिसकर्मियों ने मजिस्ट्रेट लिखी हुई एक बोलेरो कार को रोका तो शुरुआती दौर में कार चालक ने पुलिस को रोब में लेने का प्रयास किया, मगर पुलिस की शक्ति के सामने चालक की एक न चली। पुलिस ने सीट बेल्ट न लगाने पर मजिस्ट्रेट की गाड़ी का चालान काटकर उसके हाथ में थमा दिया। इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि आज सुबह से लेकर अब तक लगभग 15 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि आज का अभियान विशेष रूप से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ ही चलाया जा रहा है। दो दिन से चल रहे अभियान में मेरठ पुलिस ने 70 से अधिक पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के चालान काट चुकी है। क्या नाम है आपका? सोनू यादव। सोनू यादव, सोनू जी, अभी आपका चालान हुआ है, क्या कहना है आपका इस बारे में? भैया, गवर्नमेंट में चालान के जो रेट बढ़ा दिए हैं ना, ये इससे पुलिस वाले कमाई बढ़ी है। आम आदमी परेशान है। अभी पहला सीट बेल्ट का 100 रुपए का था, 200 रुपए चलान था, आदमी देगा चलान बहुत चलाता। 100 रुपए भी आदमी जेब से खो जाए ना तो बड़ा जोर पड़ता है। यदि आदमी सुविधा मान लीजिए 5-5 हज़ार रुपये चलान कर दिए ना, ये एक लोड मचा रखी है गवर्नमेंट ने। थैंक यू। मतलब आपका गवर्नमेंट नहीं आई। थैंक यू। कितने चालान हो चुके हैं और किस कैटेगरी के चालान? अभी मोटरसाइकिल पर जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, और जो सरकारी गाड़ियां हैं उनमें सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, तो ऐसे लोगों का चालान किया गया है। कितने लोगों के अब तक आपने चालान किया? लगभग 15-16 चालान हो गए हैं। हाँ, इसमें पुलिस वाले भी हैं और पत्रकार भी हैं, क्या सबके चालान हो रहे हैं? हाँ, सभी के चालान हो रहे हैं। कुछ अभी हमने देखा कि आपसे सिफारिश भी लगाई जा रही है कि आपने नहीं मानी, क्या निर्देश है ऊपर से? भाई, यातायात के नियम सबके लिए बराबर हैं। अब इससे कोई भी बात कराता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो कमी है उसके चालान किया जा रहा है। कोई सिफारिश नहीं? कोई सिफारिश नहीं।